हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी टीईटी की एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है दीप चंद्र, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सरकारी रिजल्ट की साइट में। सरकारी रिजल्ट को मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा क्योंकि इसमें एजुकेशन से और जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज का नोटिफिकेशन टाइमली आता रहता है। सो फ्रेंड्स, हम जाते हैं लेटेस्ट जॉब पे हम यूपी टीईटी 2021 ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है 7/10/2021। 7/10/2021 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 25/10/2021। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 28/11/2021 को देना होगा। उसके बाद आती है बात फीस की, तो फीस के लिए जनरल कैंडिडेट्स को 600 रुपये, एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये और फिजिकली हैंडीकेप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस दिया गया है। अब जो कैंडिडेट्स प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस का प्राविधान वही है, सेम टू सेम। जैसे जनरल कैंडिडेट्स के लिए एक पेपर के लिए 600 रुपये है, वैसे ही अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए 1200 रुपये फ़ीस हो जाएगी। एस सी एस टी के लिए 800 रुपये हो जाएगी और फिजिकली हैंडीकेप के लिए 100 रुपये फ़ीस, 100 × 2 मतलब 200 रुपये फ़ीस हो जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एलिजिबल पर्सन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री मतलब आपके पास कोई भी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास बैचलर डिग्री प्लस अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसके साथ आप बीएड है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरा, आप अगर इंटरमीडिएट पास हैं और आपके पास 4 साल का डीएलएड का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। चौथा, आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास बीटीसी है या स्पेशल बीटीसी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड, अगर आप यूपी टीईटी का जूनियर लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो फर्स्ट आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड या बीटीसी होना चाहिए। सेकंड, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आपके पास 2 साल का बीटीसी का डिप्लोमा है, आप इसके लिए पात्र हैं। तीसरा, आप इंटरमीडिएट हैं और आपके पास 4 साल का डीएलएड का डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चौथा, आपके पास आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपके पास स्पेशल बीटीसी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं, किसी का सेमेस्टर वाइज है और किसी का ईयर वाइज। तो जिसका सेमेस्टर वाइज है, जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रखे हैं और उनका रिज़ल्ट उनके पास आ गया है वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही, और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है मैं कहता हूं कि वो भी ये फॉर्म को भरें क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है और दिसंबर से पहले पहले उनका रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो वो लोग भी अपना फॉर्म भरें। और वैसे ही जैसे फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले हैं बीएड वाले, तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पास कर लिया है, रिज़ल्ट उनके पास है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो लोग इसके लिए पात्र हैं। और जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिज़ल्ट उनके पास नहीं आया है वो भी इस फॉर्म को भर दें क्योंकि एग्ज़ाम होने से पहले पहले उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। सो गाइस, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर आप लोग को और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर कमेंट्स में आप लोग बोलेंगे मुझे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है यूपी टीईटी का, तो मैं उसको भी आपको बता दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।